हरि हाँ, ओं चंद्रमा बनसोजा तोर शूचो अजात श्रोत्रा वायु प्राण से मुखादत महाराज जी आपने विश्व का सबसे बड़ा दिया बनवाया आज उसको पूजित किया गया कब जलेगा और कितनी देर कब पकेगा ये सब क्या किया देखिये मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पावन जन्मभूमि ये अयोध्या है राम लला के मंदिर के लिए विगत 500 वर्षों से एक लंबा संघर्ष हुआ राम भक्तों ने संघर्ष किया लोगों ने उम्मीद और संघर्ष नहीं छोड़ा कितने राम भक्तों ने अपने प्राणों को छोड़ दिया खुद कर दिया आज सबके प्रयास और राम जी के प्रति जो निष्ठा है उसके कारण शुभ घड़ी आई है तो तरह तरह से तैयारियां चल रही हैं तो ये राम नगरी और राम घाट मोहल्ला जहां राम जी स्नान करते थे खेलते थे वहां की ये राम ज्योति के लिए तैयारी हो रही है इसके लिए हमने एक सौ टीमें गठित किया था जो एक साल से लगातार काम कर रही थी सभी तीर्थों का जल सभी तीर्थों की मिट्टी समुद्र का जल पूर्ण नदियों का जल सरजू जी का जल कुल मिला के एक टन मिट्टी से यह दीपक बना है इसका मैंने नाम रखा है महाराजा दशरथ दीपक क्योंकि दशरथ जी का राम जी के प्रति जो प्रेम था वो सर्वाधिक था सबसे ज्यादा था और यह दीपक जो है 19 जनवरी को क्योंकि नवमी तिथि है भगवान श्री राम नवमी तिथि को ही जन्म लिए थे पूर्णा तिथि मानी जाती है नवमी तिथि को 19 जनवरी सायम छह बजे इसको प्रज्वलित करेंगे सवा क्विंटल रोई की बत्ती होगी दस हजार लीटर तेल से यह जलाया जाएगा राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा महा महोत्सव के लिए यह दीपक तैयार किया गया है साढ़े सात करोड़ की इसमें कुल लागत लग चुकी है इसको हमको पकाने के लिए हम कलकत्ता से एक स्पेशल जो है तो इसके लिए जो है एक मशीन मंगा रहे हैं कि वो आकर के आजकल तो मशीनों का युग है रात भर में रोडे बन जाती हैं तो सारी तैयारियां हो चुकी है बस शुभ घड़ी का इंतजार है यह विश्व का सबसे बड़ा दीपक है इतना बड़ा दीपक आज तक ने कोई बनाया है भविष्य में कोई बना भी नहीं सकता है इसको लेकर के जो है तो हम साल भर से इसका वर्क कर रहे हैं और ये एक हजार आठ टीमें एक हजार आठ गाड़ी चौबीसों घंटा दौड़ रही हैं तब जाके यह जो है तो हम इस पर मुकाम तक पहुंचे हैं यह खुशी है क्योंकि राम जी हम सभी सनातनियों के भगवान तो वही है, है। मानव मात्र के आदर्श हैं कई लोग जैसे कह रहे हैं तमाम लोग कह रहे हैं कि भगवान सबके हैं और वैसे भी लोगों को समझाना चाहिए कि तमाम लोग जैसे इंडोनेशिया इस्लामिक कंट्री है लेकिन वहां भी राम जी को मानते हैं रामलीला होती है हो, और कहते हैं कि राम हमारे पूर्वज हैं तो इससे समझाना चाहिए कि राम जी का व्यक्तित्व जो है वो सबके लिए अनुकरणीय है राम जी देखिए त्रेता युग में राजा थे जिस समय राजा थे तो कहा गया भूमि सप्त सागर में खिला एक भू प्रगपत कौशला मने संपूर्ण भूमंडल पर राम जी का जो है तो शासन था सब लोग राम जी को अपना आदर्श मान कर के ही जो है तो राज करते थे सब सभी अन्य देशों में राजा होते थे और सबके ऊपर चक्रवर्ती सम्राट भारत के उस समय भारत की राजधानी अयोध्या हुआ करती थी जब प्रभु श्री राम यहाँ राजा थे जिनकी चर्चा आज भी रामराज की हो रही है मेरा मानना है कि एक बार त्रीताज में राम राज आया था दोबारा जो है 22 जनवरी 2024 को फिर से रामराज की शुरुआत हो रही है फिर से भारत विश्व गुरु के पद पर प्रतिष्ठित होने जा रहा है इसलिए बहुत उत्साह है अति उमंग है और उसके लिए हम लोग पूरी ताकत से उसमें लगे हुए हैं और यह दिया क्योंकि दिवाली का उत्सव ही राम जी से ही शुरुआत हुआ है त्रेतायुग में राम जी जब वनवास गए थे तो यही यही जगह है जहां से मिट्टी लगा करके बन गए थे और थोड़ी मिट्टी लेके गए थे जहां पूजा करते थे तभी तो कहते जन्नी जन्मभूमि से स्वर्ग आदि गरी जन्म देने वाली माता और जन्मभूमि स्वर्ग से बड़ी होती है राम से ही राष्ट्रवाद की शुरुआत हुई है तो इसलिए यहाँ की जो राम ज्योति है वो अद्भुत होगी और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी 140 करोड़ देशवासियों से अपील किया है कि जब राम मंदिर का उद्घाटन हो तो राम ज्योति जलाये और दिवाली मनाए तो यह राम ज्योति जो है राम घाट स्थित राम ज्योति अपने आप में अति महत्वपूर्ण होगी अच्छा, उन्नीस तारीख को आप दिया जलाएंगे दिया कब तक जलेगा क्योंकि तो को प्रधानमंत्री ने कहा है सबसे दिया जलाने को देखिए दीपक तो हम हमारे हमने दिवाली का तो शुभारंभ कर दिया है प्रत्येक दिन मैं एक हजार आठ जो है दिया जला रहा हूँ रोज जला रहा हूँ लेकिन यह जो विशेष दीपक है यह 19 जनवरी को जलाया जाएगा क्योंकि 19 जनवरी को नवमी तिथि है और इसके बाद यह 18 22 को, को तो जलता ही रहेगा और न जाने कब तक जलता रहेगा इसमें जो है तो दस हजार लीटर तेल जो है इसमें डाला जाएगा इसकी कैपेसिटी 10 लाख लीटर तेल की है तो यह राम ज्योति है जो पूरे दुनिया में मानवता का प्रकाश फैलाएगी Uh, कुछ और विषय हैं जैसे कि आरजेडी के एम हैं मनोज झा उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से जब गांधी जी भी राम भक्त थे लेकिन वो मंदिर नहीं जाते थे उन्होंने अपने अंदर राम बसाया था इसीलिए उनको मृत्यु के समय हे राम कहने स्वर्ग मिल गया देखिए बहुत अच्छा है जो लोग अपने अंदर राम को बसाए हैं वो हे राम कहे उनको भी जल्दी मृत्यु प्राप्त हो जो अयोध्या नहीं आ रहे हैं वो भी जल्दी जाए हम लोग तो मरने के पहले ही जो है तो रामनगरी में है तो जो लोग अयोध्या आ रहे है रामनगरी आ रहे हैं उनका बहुत बहुत स्वागत है और जो अपने अंदर राम बसाए हैं तो स्वर्ग जाने की तैयारी में है भगवान करे उनको बहुत जल्दी स्वर्ग मिले कर्नाटक के सीएम है सिद्धारमैया उन्होंने कहा है कि उन्हें मंदिर बनने से कोई दिक्कत नहीं है लेकिन जिस तरीके से बीजेपी इस पूरे मुद्दे को पोलिटिसाइज कर रही है उससे दिक्कत है कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया जो है तीन सौ कार सेवकों को फर्जी तरह से फंसा करके चिन्हित करके उनको जो है जेल भेजने के लिए उन्होंने जो सूची तैयार किया है दो तीन लोगों को गिरफ्तार भी किया है तो ये लोग राक्षस लोग हैं और ये अपनी जो इनकी हरकतें हैं पहले भी जिन राक्षसों का बध हुआ था उसी तरह के ये भी राक्षस है लेकिन अब हम लोग मानवतावादी है सोच रहे हैं बध न करना पड़े ज्यादा जरूरत पड़ेगी तो ऐसे लोगों को अच्छा सबक सिखाएंगे एक और इशू है कांग्रेस के उत्तर प्रदेश के जो चीफ हैं अजय राय उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश कांग्रेस के जो नेता है वो पंद्रह तारीख को अयोध्या आएंगे और रामलला के दर्शन करेंगे हनुमानगढ़ी भी जाएंगे और सरयू में नहाएंगे मैं उनका स्वागत करता हूं अजय राजी ने अगर ऐसा कहा तो बहुत अच्छी बात है लेकिन कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व तो, तो राम विरोधी है एंटोनियो माइनो ने तो साफ कर दिया है कि वो जो है तो राम मंदिर उद्घाटन में नहीं आएंगे जबकि उनको निमंत्रण मिला है तो हम कहते हैं कि जैसे एंटोनियो माइनो है अगर नहीं आना है तो बहुत अच्छा है वो तो पहले बार डांसर थी फिर से अपना जो है पूर्व जिंदगी में जाए अब ये तो देखिए भारत जो है तो ये राम जी का देश है यहाँ जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं और जो हम तो कहते हैं राजनीति से हटके ये अपोजिशन का दुर्गति का ये कारण है कि ये बीजेपी का विरोध करते करते राम का विरोध करने लग जाते हैं फिर राष्ट्र का विरोध करने लग जाते हैं इसीलिए उनको ये दूर दिन देखना पड़ रहा है